आर के दर से जितना देंगे वो कर देंगे सब मांगेंगे। अरे जब भड़ुआ सब कलाकार नहीं देगा साथ में तो ये जो देख रहा है ना मेरा भाई साहब पूरी ये सब देगा ये मिलियन में। अरे बाबू तोर बहनिया ढोरी के छिली रे। अरे अब भागा तोरे तो बहनिया को ढोरी छिलबे करी। अगर ईमानदारी बताओ तो रे बिहार के चुतिया सब कलाकार है कलाकार के तो ना पहचान कर बस ट्रैक्टर चाहिए ढोरी छिलवाई बसल कल तुम्हें बोलिए ढोरी छिलाई जरूर को दिन तक घर पर आई है। सरकार से दरखास्त है सारे पावर आपके पास है तो क्यों एक देश से दूसरे देश से तीसरे देश के तलाश में है। सब टाइम पास है वादे किए थे आपने विदेशों से पैसे लाएंगे जनता के खाते में जाएंगे क्या ये सब हुआ नहीं ना। क्या बीटेक वाले 8 लाख खर्च करके 8,000-18,000 में खटे जा रहे दिन रात कब तक चलेगा हमारे देश में इसे हमें जवाब दो। नमस्कार मित्रों मैं सुनील कविराज और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज। अभी मैं पटना के मुसल्लमपुर हाट में हूँ और हमारे साथ मैरियो रैपर जी हैं जो काफ़ी अच्छा रैप सुनाते हैं और ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मकसद यही है कि हमारे बिहार के ट्रेंडिंग स्टार सुपर स्टार हिट मशीन कहे जाने वाले खेसारी लाल भैया बोलते हैं कि वो रियल टैलेंट को मौका देते हैं तो मेरा यहाँ आने का मजबूरी यही है उद्देश्य यही है कि मैं खेसारी भैया आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहता हूँ और बताना चाहता हूँ कि पटना में भी एक ऐसा टैलेंट है जिसे आपको मौका देना चाहिए। ये भाई हमारे इनका नाम है मैरियो रैपर जो चाय बेचने का काम करते हैं। क्या बेचते हैं? चाय बेचते हैं और साथ साथ रैप सुनाते हैं तो हम इनका रैप सुनेंगे और आपको पता चल जाएगा कि रियल टैलेंट कौन सा है। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से रियल टैलेंट दिखाने वाले हैं। मैरियो रैपर जी आज हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का सपोर्ट है प्यार है जो हमारे छोटे भाई के पास आए हैं। खेसारी भैया बोलते हैं कि रियल टैलेंट अगर हमें दिखता है अगर हमारे सामने आता है बात करता है तो हम उसको मौका देंगे तो ये बताइए रियल टैलेंट उनको कैसा चाहिए? अब ये तो मैं नहीं बता सकता जिनकी जैसी सोच होती है वो वही नहीं जानेगा कि रियल टैलेंट अच्छा है। अभी सुनिए रियल टैलेंट के बाद पूछे हम बता देते हैं आप तो नहीं बोलिएगा। उनको चाहिए पब्लिसिटी पैसा सब्सक्राइबर फॉलोवर इनका से क्या मतलब है। इनको काम देंगे तो इनको पैसा देना पड़ेगा इनका टैलेंट आगे बढ़ेगा तो कंपटीशन हो जाएगा उन्हीं से बाद में। तो उनको क्या चाहिए नेपाल बंगाल आसनसोल मतलब जहाँ उनका लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं होगा ना वहाँ के लोगों को टैटू बनवा के काम दे देंगे। मतलब नेपाल के सोम्य पोखरेल जी को काम देने का उनका मेन मकसद था नेपाल के जनता में उनका क्रेज बढ़े सब्सक्राइबर बढ़े शेयरिंग बढ़े पैसा बढ़े। और देख लीजिएगा सोम्य पोखरेल जी आप भी सुन लीजिएगा 6 महीना बाद आपका रेट घट जाएगा इनका सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा इनको पैसा इनकम हो जाएगा। अब कोई भी वीडियो डालेंगे लोग आपके नेपाल का लोग देखबे करेगा देखेगा पैसा किसको मिलेगा तो खेसारी लाल यादव को। सोम्य पोखरेल का काम कितना था तो बस एक दो गाना में कमवा देना फेमस कर देना उसके बाद सोम्य पोखरेल कौन है हम नहीं जानते लेकिन वाकई में देखा जाए तो ये टैलेंट जिसको मौका मिलना चाहिए उसको नहीं मिल रहा कोई मौका नहीं देगा जानते क्यों नहीं देगा काहे नहीं देगा क्योंकि धंधा बंद हो जाएगा ना मौका देना शुरू कर देगा तो। लेकिन इतना लोग भूल गया है कि अगर इनको मौका मिलेगा ना तो बिहार की जनता उनको भगवान बना लेगा क्योंकि वाकई में जो टैलेंट होना चाहिए। देखिए इनके हाथ में टैटू नहीं ना भैया छपवा लीजिए तो देखा जाए आपको भी मिल जाएगा। अच्छा क्या आपको टैलेंट अगर मान लीजिए टैटू पर काम मिलेगा तो टैटू आप बनवाइएगा कि टैलेंट पर बनवाइएगा? ये क्या माना टैटू क्या भाई अगर तुम्हें काम करना है तो अपने रियलिटी पे काम करो उससे बड़ा टैटू कुछ नहीं है दुनिया में देख लीजिए। आपको क्या लग रहा है आपको क्या लग रहा है सोम्य पोखरेल के पास पतियार है बिहार में का से बढ़िया कलाकार नहीं है कहा नहीं है उसी के गांव की है कि नहीं है पासवान है कि नहीं है सारी लाल के साथ हमेशा स्टेज शो करती है कि नहीं है बहुत बड़ी है कलाकार। अब बिहार के लोग जो अपने जादू जी या बबुआ राजपूत कहले रहते हैं उन लोगों को पहले शर्म आना चाहिए कि दूसरे को बहन मातारी को घर आने से पहले मानसिकता को समझिए मानसिकता को ठीक है सही बात है। हमें जादव जी है तो जादव जी हो जाए जादव जी के कर्म जादव जी वाला होके चाहिए। सच बताओ भैया एक बात मैं हमारे बिहार में भोजपुरी गांव बट भोजपुरी में जो एक गाना गाते हैं ना माँ बहन चाचा चाची इस टाइप का इस चीज से नहीं गाना चाहे क्योंकि तुम्हारे पास भी माँ बेटी है भाई मेरी बात को समझ रहे हो गौर से जी। मैं जो कहना चाहता हूँ भाई रियलिटी गाओ ना तुम रियल टैलेंट हो तो रियलिटी गाओ ओकर भौजिए का साथ भाग मतलब कुछ ऐसी चीज़ है
लोग भोजपुरी पसंद क्यों नहीं करते हैं? भोजपुरी में वो गाना आया है, आज वो ढील दो ढोड़ी जाने छील दो, इसका मतलब आ जाइए पाँच के चल जाइए चाट के, इसका मतलब का वो चला था मिलियन में, मिलियन में। ए बाबू तोर बहनी है ढोड़ी के छिली रे, अरे अब भागा तोरे तो बहनी है कौन हो छिलबे करी, अगर मानसिकता बात हो तेरे बिहार के चुतिया सब कलाकार हई कलाकार के ते ना पहचान कर बसल टेटो चाहिए ढोरी छिलवे बसल तो काल तोनियो के बोल के ढोरी छिलाई जरूर आ को दिन तक घर पर पराई, लेकिन सच्चाई से वाकिफ रहो सुने बहुआ ठीक बा, सच सच होला झूठ झूठ होला, टैलेंट टैलेंट होला, चाहे वो बेची तो टैलेंट लौकी ठीक बा। अभी टैलेंट की बात हो रहा है रैपर, मैरियो रैपर जी चाहूंगा कि जब टैलेंट का बात हो रहा है एक बार थोड़ा सा रैप सुना दीजिए ताकि दर्शकों को लगे कि हाँ क्या टैलेंट क्या होता है। देखो आजकल रियलिटी चल रहा है दुनिया में, रियलिटी देख रहा हूँ मैं तो सुनो, आजकल के ये जमाना मेहनत किए पैसे ना मिल पाना, लेने जाना आजकल परसों का टरकाना, रोज का नया बना सको तो मामू बनाना, अरे स्कूल हो या कॉलेज कॉलेज हो नौकरी हर जगह बस घुसकाना, अमीर के बच्चे पास गरीब के बच्चे साहब बाकी बच्चे आप सब बंदे बाप करते खुद करते पाप करते, मुझे तो इंसान बेटा कोई नहीं इंसान, सब बंदे जरा इफान इंसान खो चुके सब कर एक दूसरे के शिकार, जो भी बच्चा इंसान आगे बढ़ना चाहे सपने लोग ही करे बर्बाद। भाई वो रात कौन सा थी ऐसी रात जो हाथ खोलते 500,000 के नोट साफ, जब सुबह नोट बंद सबको दुकान बंद नहीं मिल रहा, काम काज खत्म करके किसानों की नाच सड़क पर वही पारी अपने देश में पड़ जाए बेरोजगारी, क्यों क्योंकि कर दी एक बात है सच्ची बात है, हमारे देश का नेता का नियत ना साफ है, ना किसी का खास है ना किसी का पास है, सबको नोटों की तलाश है, ना किसी के सुनते ना किसी के करते, जब वोटों की बारी आई तो सारे आपस में लड़ते डरते मरते, हमें सरकार से दरखास्त है सारे पावर आपके पास है तो क्यों एक देश से दूसरे देश दूसरे देश से तीसरे देश के तलाश में है, सब टाइम पास से वादे किए थे आपने विदेशों से पैसे लाएंगे जनता के खाते में जाएंगे, क्या ये सब हुआ नहीं ना, क्या बीटेक वाले 8 लाख खर्च करके 8,000-18,000 में खटे जा रहे दिन रात, कब तक चलेगा हमारे देश में इसे, हमें जवाब दो, हमें जवाब दो। ये है रियल टैलेंट, रफ्तार से कहीं कम नहीं है, ये रफ्तार से कम नहीं है, और रफ्तार जी अगर देख रहे हैं तो प्लीज भाई को एक बार मौका देना चाहिए, हर एक व्यक्ति को मौका देना चाहिए, जरूरी नहीं है भोजपुरी में मिलेगा, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग, इनको प्यार सपोर्ट कर दीजिए, किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा इनको, ये आवारा करते हैं अपने बिहार का नाम रोशन करेंगे, जरूरी नहीं है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में काम मिले, अगर हनी सिंह रफ्तार और बादशाह काम देना छोड़िए ना, कोई काम नहीं दे, हमारे बिहार का संख्या जितना है ना मात्र 10 लाख आदमी इनको सब्सक्राइब करते हैं 1 मिलियन, और देखिए बिहार का नाम रोशन कर देंगे, जरूर चैलेंज करते हैं हम, हर एक कलाकार जो अपने आप को कलाकार बोलते हैं हीरो बोलते हैं ना, मेरे भाई को मौका करे सब लोग बाहर की सपोर्ट करे, और देखिए पूरे बिहार का नाम रोशन करेंगे, कहीं शक संदेह नहीं है, जाओ ना तुम जाओ अब देखिए कितने लोग चाय के लिए आए हैं, चाय के लिए, और एक बात बता देते हैं चाय भी बड़ी स्वादिष्ट है, आके पीजिए और कोशिश कीजिए कि ये चाय ठहरा जल्द बंद हो और ये आगे बढ़े, नहीं आपका ये जगह नहीं है, आप भले कुछ बोलिए भाई बंद हो जाएगा तो भाई किराए कैसे दूंगा, अरे ये बिहार का बिहार के दर्शक जितना देंगे वो देंगे, अरे जब भड़ुआ सब कलाकार नहीं देगा साथ में तो ये जो देख रहा है ना मेरा भाई साहब ये साथ देगा, ये पक्का साथ देगा आपका, चिंता बस आपको आगे बढ़ना है, हिम्मत बना के रखना है ताकि पूरे जनता के सपोर्ट, जितना जनता आप देख रहे हैं ना आप मेरे भाई को सपोर्ट कीजिए, और खेसारी भैया आप कहते हैं ना कि रियल टैलेंट को मौका देंगे तो हमारे मेरे भाई को मौका दीजिए, या आपके उम्मीद पर जरूर खड़ा उतरेंगे, कहा है कि इनका रैप आपने सुना है काफी शानदार है, मैं चाहूंगा मेरे भाई एक और छोटा सा रैप हो जाए, छोटा सा मैं कहता हूं लव लव सुनो, मैंने एक लड़की के ऊपर भी लिखा था, मतलब जो सारे सिचुएशन को देख के मैंने कहा था लड़के लड़के प्यार में, अरे खुद पे भरोसा मैंने कर लिया, खुद से ही जीना मैंने सीख लिया, जो कल थे मेरे साथ अब बेगानिया, तू आज यहाँ कल वहाँ न जाने दिखेगा कहाँ कहाँ, तू देख आज कहाँ मैं देख आज यहाँ, जो मैं कल था अब ना रहा, किसी को पाकर खोना खो के पाना अब ना होगा, हंसते हंसते रो देता सोचते सोचते सोच जाता, और दिल की बातें मैंने दिल में दबाया, ना किसी को मैं बताया, तेरे हर एक बात को सहा, ना किसी को मैं तो कहा, किसी और के साथ चली जाती, खुद को ही कोसते रह जाता, अब मेरे बात को ध्यान से सुन, तेरे दिमाग की बती करूं गुम, आज भी है मेरे पास तेरे सारे राज, भेजू क्या तेरे पास, खुद से ज्यादा भरोसा किया था तुझको तो, तू तो निकली धोखेबाज, चल चलिए बहुत अच्छे, देख कर काफी अच्छा लगा, सुन के भी काफी अच्छा लगा, रफ्तार की तरह रफ्तार में रफ्तार की तरह जो है इन्होंने पूरे इन्होंने ऐसा बोला ऐसा रैप किया ना मजा आ गया, तो दर्शकों आप हमें जरूर बताइए कि ये जो टैलेंट है क्या इनको इंडस्ट्रीज में मौका मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो भोजपुरी इंडस्ट्रीज हो या बॉलीवुड हो, हर जगह से जो है मौका मिलना चाहिए, यहाँ पे कुछ दोस्त उनसे बात करना चाहेंगे, मैरियो भाई का जो आप रैप सुने कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इनको मौका मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, खेसारी भैया बोलते हैं कि रियल टैलेंट को मौका मिलेगा तो इनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए ना पूरा, आपका क्या कहना भैया?
एकदम जरूर मिलना चाहिए। नेपाल की लड़की सौम्या पोखरेल, जानते हैं टैटू गर्ल को? जी जी जानते हैं। उसके टैटू पर मौका मिल सकता है बनवाने के लिए किए हैं। ओके, सब्सक्राइबर बनवाने के लिए, ताकि नेपाल के सारा सब्सक्राइबर जानेगा उनको, ऐसे उतना नहीं जानता है। आपको क्या लग रहा है? एकदम सही लग रहा है। कोई लग रहा है चाचा जी, क्या लगा था? टैलेंट बा कि नहीं? टैलेंट बा, मौका मिलेगा चाहिए कि नहीं? जरूर मिलना चाहिए इनको मौका। खेसारी भैया बोलते हैं कि रियल टैलेंट को देंगे मौका, कि ये रियल टैलेंट है कि नहीं है? है है, मौका मिलेगा जी। बोलिए खेसारी भैया, क्या बोलो? भोजपुरी में उसला भाई लाग बा, तू भाई को उतर के भैया का मतलब समझ ले। सम्मान हर किसी को, नहीं सम्मान सम्मान देने वाले व्यक्ति को दीजिए, जो पूरे बिहार को अपमानित करता है, अश्लीलता फैलाया है, गंदगी फैलाया है, गंद मचा के छोड़ दिया है, उसको सम्मान दीजिएगा। उसको जूता का माला पहना के सला को हटा दीजिए पटना से, और आता है तो वो कैसे पहचानता है इस टैलेंट को? वो तो धंधा चलाने वाला व्यक्ति है। अरे खेसरिया सुन, तुमको एक ही बात बोलेंगे, टैलेंट को अगर मौका देता है ना तो इनको मौका दे, तुम्हारा चरण धो के हम पी लेंगे, वादा करते हैं तुमसे। ऑन द कैमरा बोल रहे ना कि तुम्हारा चरण छू लेंगे, अगर नहीं दिया ना बकासले नहीं जा रहे रे बेटा। राम भक्त सचिन बाबा नाम है हमारा। तो आप दर्शकों, अब आप जरूर हमें बताइए कि मैरियो भाई जो टैलेंट है, चाय भी बेच रहे हैं, चाय बेचने का एक मजबूरी है क्योंकि घर का भी खर्चा देखना है, टैलेंट भी देखना है, तो घर के खर्चे के लिए जो है ये चाय बेचने का काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ा रीजन ये काम करने का है कि इनकी एक बहन है, इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़कर अपने बहन को पढ़ाने के लिए जुटे हुए हैं कि इनके बहन जो है पढ़ लिख कर कुछ बन जाइए, भले नहीं बने लेकिन बहन को जरूर बनाना चाहते हैं। तो दर्शकों, अभी आप देख रहे थे हमारे साथ मैरियो रैपर जी थे, जिन्होंने काफी अच्छा रैप सुनाया। बात हो रही है यहाँ पे रियल टैलेंट को काम देने की, जो रियल टैलेंट है उससे मौका देने की, न कि किसी फेक लोगों को मौका देने के, जो इंडस्ट्रीज में आते हैं और इंडस्ट्रीज की माँ बहन करके चले जाते हैं और सॉरी भी नहीं बोलते हैं। तो मौका किसे देना चाहिए, दर्शक आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। कैमरामैन भैया जी के साथ मैं सुनील कविराज, और आप देख रहे हैं इंडियन टाइम्स न्यूज़। जय हिंद।